अस्सलाम वालेकुम, आज है 15 जून 2022 और मैं एक दफ़ा फिर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अजीमुशान बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। आज मेरे इधर मौजूद होने का मकसद ये है कि एक और पाकिस्तान रेलवेज़ की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन जिसे सब रेल कार के नाम से जानते हैं वो प्राइवेट होने जा रही है और उसका नाम है 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस। और बड़ा ही यूनिक सा नाम है सुबक खराम, अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये स्टाइलिश रनर बनता है। तो स्टाइलिश रनर ट्रेन है ये जो आज प्राइवेट होने जा रही है। 103 अप और 104 डाउन सुबक खराम एक्सप्रेस लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेल कार है और दोपहर के वक्त 4:30 बजे ये चलती है, बैक वक्त लाहौर से भी और रावलपिंडी से भी। और इसकी बाग दौड़ अब संभालेगी NCS प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखें प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन्स की तो ये पहली ट्रेन है जो इस कंपनी ने ली है। तो इसी वजह से मैं आज मौजूद हूँ कि इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को भी कवर करूँ और इसमें ट्रैवल भी करूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर रावलपिंडी तक। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि कैसा आज का दिन गुजरता है। इस वक्त मैं बुकिंग ऑफिस के पास पहुंच चुका हूं और यहां पर NCS प्राइवेट लिमिटेड का पोस्टर अवेज है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने 3 ट्रेन्स की कमर्शियल मैनेजमेंट ली है और उसमें ये 2 रेल कार्स, एक सुबक खराम और दूसरी रावल एक्सप्रेस जो रात को 12:30 बजे चलती है, ये दोनों रेल कार्स की कमर्शियल मैनेजमेंट आज ही यानी 15 जून 2022 से ये कंपनी संभालेगी। और उसके अलावा तेज़गाम जो पाकिस्तान की माइनास ट्रेन है 7 अप 8 डाउन, इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट NCS प्राइवेट लिमिटेड 1 जुलाई से संभालेगी। तो ये उनका एक बैनर इधर लगा हुआ है। अंदर चलते हैं, अब देखते हैं कि इनका टिकट्स वगैरह कहाँ से लिए जा रहे हैं। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस है ये और पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में आपको इसका विज़िट करा चुका हूँ। यहाँ पे चल के देखते हैं कि NCS प्राइवेट लिमिटेड का काउंटर कहाँ है और कितना रश है आज इनकी रेल कार पर। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर अब मैं मौजूद हूं और ये जो सामने क्यू लगी हुई है, कतार बनी हुई है, ये सब 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस का ओपन टिकट लेने के लिए इधर मौजूद हैं। तो रश देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी कामयाब रेलगाड़ी है। और अभी कोशिश करते हैं कि अंदर चलें और जो इनके बुकिंग सुपरवाइज़र्स हैं उनसे भी कुछ बात करें कि कौन कौन से स्टेशन्स का रश सबसे ज़्यादा है। NCS के रिजर्वेशन काउंटर पर मैं आ गया हूँ अब और जो बुकिंग सुपरवाइज़र हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, धड़ाधड़ टिकट्स प्रिंट हो रहे हैं इधर। सर आप एडवांस रिजर्वेशन कर रहे हैं या ओपन टिकट्स भी दे रहे हैं? सर एडवांस भी चल रही है और ओपन भी चल रही है। ओपन अभी क्योंकि गाड़ी का टाइम हो गया, 4:30 बजे गाड़ी चलनी है, तो इसकी वजह से ओपन भी जो है वो ओपन है और रिजर्वेशन भी ओपन है जो कि 12:30 बजे वाले। तो सबसे ज़्यादा रश कौन से स्टेशन के लिए है? सर सबसे ज़्यादा पिंडी के लिए। चले ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। 6 2 सीटें 8 4। एक शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा टिकट कराया ज़रा दिखाइएगा। टिकट कराया ये मैं 550 का पिंडी से लिया था, 550 का इधर से लाया। अच्छा जब आप आए थे पिंडी से तब तो ये रेलवे के पास थी, आज ये प्राइवेट हो गई है। प्राइवेट भी वही रेट है। रेट वही है, कोई बढ़ाए तो नहीं है? बढ़ाया नहीं। चले बहुत शुक्रिया। बढ़ाया भाई, शुक्रिया। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह बिजी है और मैं अब बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गया हूँ और अब मूव करूँगा मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जहाँ पर 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस स्टेशन होती है और वहाँ से रवाना होती है। तो चलें चलते हैं उधर, देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव इसको लीड कर रहा है और इनॉग्रेशन के क्या इंतज़ाम हैं।
कुछ मेरे दोस्त रेल व्लॉगर्स भी उधर मौजूद हैं, तो चलें उनसे मिलते हैं। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच चुका हूं और 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस स्टाइलिश रनर वो भी इधर मौजूद है और आज इसको लीड कर रहा है ZCU-20 लोकोमोटिव। आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें 5 इकॉनमी क्लास कोचेज होती हैं, इसके अलावा एक कोच AC पार्लर जिसे सुपर डिलक्स कोच भी कहते हैं, और एक कोच होती है बिजनेस क्लास की और एक कोच होती है AC स्टैंडर्ड की, साथ में एक ब्रेक वैन भी। तो टोटल 5, 6, 7, 8, 9 कोचेस की ये ट्रेन है। तो ये इसकी रेक कंपोजिशन है और अभी चलते हैं लोकोमोटिव, देखते हैं कौन सा इसको आज अलॉट हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बिल्कुल लोकोमोटिव के पास मैं पहुंच गया हूं और इसकी सजावट का काम भी जारी है। ये हमारी रिवायत है, जब भी कोई ट्रेन का इफ्तिताह हो या वो प्राइवेट हो रही हो तो लोकोमोटिव को ज़रूर सजाया जाता है। वक्त की कमी है थोड़ी, इसलिए जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। NCS जिस कंपनी ने इसको एक्वायर किया उसका पोस्टर भी आवेज है। रंग बिरंगी झालरों से ये सजा हुआ है। इस वक्त ZCU-20-6414 की कैब में मैं मौजूद हूँ और जो आज हमारे लोको पायलट साहब हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अल्ताफ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आज आपको पता ही होगा कि ये 103 अब प्राइवेट सेक्टर के अंडर चली गई है। यस। अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि जब ट्रेन प्राइवेट होती है तो जो उसके लोको पायलट्स वगैरह हैं वो भी प्राइवेट होते हैं, लेकिन इस बारे में आप लोगों को बताइए कि ये एसेट किसका रहता है और इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो कौन देखता है? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोको पायलट जो होता है वो एक आम आदमी नहीं होता बल्कि वो स्पेशल पर्सन होता है, तो इसमें प्राइवेट बंदा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब प्राइवेट बंदे को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती तो यहाँ ह्यूमन लाइफ का प्रॉब्लम, उसको मद्देनज़र रखना होता है, सेफ्टी मद्देनज़र रखनी होती है, सारा कुछ स्पीड को देख के चलना होता है, लोकोमोटिव को देखना होता है, ट्रेन बिहेवियर देखना होता है, इंजन का बिहेवियर देखना, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के तो ट्रेन ऑपरेट करते हैं, और ट्रेन ऑपरेट सिर्फ और सिर्फ रेलवे ड्राइवर ही करेगा। यानी कि ये जो ऑपरेशंस हैं वो रेलवे के अंडर ही हैं और ये एसेट भी रेलवे का ही है? रेलवे का ही एसेट है और 100% एसेट जो है ये रेलवे का ही है। सर ये बताइए कि आप तो ZCU भी ड्राइव करते होंगे और GU-20 भी, तो इन दोनों लोकोमोटिव्स में आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट तो हमारे दोनों हैं प्यारे भाई, दोनों फेवरेट हैं हमारे। हमें जो भी पावर मिले अच्छी मिले, टाइम लूज ना करे, ट्रबल ना हो, अच्छी तरह उसका चेकअप हुआ हुआ हो तो वो सही है हमारे लिए। तो हमने तो दोनों लोकोमोटिव तीनों को सबको चलाना है, जो भी मिलेगा हम उसको चलाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक इकॉनमी क्लास कोच के बाहर मैं मौजूद हूँ, चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा होता है। एक इकॉनमी क्लास कोच में मैं अभी मौजूद हूँ और ये CNR की रिफर्बिश कोच है, 6 लोगों का कैबिन जैसे हमारी हर इकॉनमी क्लास में होता है। रेक इसको वही वाला दिया गया है जो पाकिस्तान रेलवेज़ की कमर्शियल मैनेजमेंट में चल रहा था, तो इसकी कंडीशन वैसे ही है जैसी रनिंग कोचेस की होती है, पंखे, लाइट्स और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अब एक नज़र सुपर डिलक्स कोच जिसे AC पार्लर भी कहते हैं उस पर डालते हैं। आज मैंने अपना सफ़र इसी कोच में करना है, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। इसके इंटीरियर देखते हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ की शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छी क्लास मानी जाती है ये। जी सर, बड़ा अच्छा इंटीरियर है इसका और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र रहता है इसमें।
बिजनेस क्लास कोच को भी देखते। ये ओल्ड मॉडल की बिजनेस क्लास कोच है और सीएनआर कोच का इंटीरियर थोड़ा बेहतर होता है इससे, क्योंकि उसमें जो साइड में पैसेज वाली सीट्स हैं वो भी होती हैं, लेकिन इसमें पैसेज वाली सीट्स नहीं होती। इस रेल कार में एक और क्लास एसी स्टैंडर्ड की भी होती है, उसका इंटीरियर देखते हैं कि किस तरह का होता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एसी स्टैंडर्ड कोच है, क्योंकि इसके अंदर बर्थ्स की बजाय बैठने की अरेंजमेंट्स होती हैं। मैंने इकोनॉमी की टिकट ली है। इसमें सेटिंग अरेंजमेंट है, एक तरफ तीन लोगों की सीट्स होती हैं और एक तरफ दो लोगों की। थोड़ा सा डिफरेंट है ये एसी पार्लर कोच से। एसी पार्लर की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इसके मुकाबले में। स्क्रीन पर आपको इसकी टिकट की प्राइस भी शो हो रही होगी, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि NCS प्राइवेट लिमिटेड की ऑनलाइन बुकिंग आप ncsrail.com से करा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि ये वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं है और कुछ ही दिनों में एक्टिव कर दी जाएगी। और शायद यही वजह है कि आज ट्रेन फुल ऑक्यूपेंसी पे नहीं है, क्योंकि लोग ऑनलाइन टिकट करा नहीं सकें और बिल्कुल एंड पर आके ओपन टिकट्स ले रहे हैं। कोई भी रेल फैनिंग इवेंट हो, हम रेल फैंस तो पहुँच ही जाते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़हीम भाई, मोहसिन और बिलाल। मैं, फ़हीम भाई और मोहसिन, हम तो ट्रैवल कर रहे हैं आज पहले ही दिन लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक, जबकि बिलाल किसी वजह से आज नहीं जा सकेंगे। तो हेलो, बिग हेलो फ्रॉम ऑल द रेल फैन। मैं एक बार विदा करने आया हूँ लाहौर जंक्शन पर। थैंक यू। डिपार्चर विसल हो गया है जनाब, और चलते हैं अपनी कोच में बैठते हैं। एसी पार्लर में आज मेरी और फ़हीम भाई और मोहसिन की बुकिंग है। हम लोग एसी पार्लर 103 अब सुबह खराम स्टाइलिश रनर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी तक। तो चलें ट्रेन में बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस आज NCS प्राइवेट लिमिटेड के तहत पहले अपने प्राइवेट इनॉगरल रन पर रवाना हो गई है। मैं अभी सुपर डिलक्स कोच में सवार भी हो चुका हूं। अभी कुछ ही देर में अंदर जाता हूं, अपनी सीट पर भी बैठता हूं। इंटीरियर का मैंने आपको पहले ही विज़िट करा दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त कोच होती है सुपर डिलक्स की। बाय बाय बिलाल, आ जाओ, अभी भी वक्त है। बिलाल आज किसी ज़रूरी काम था उन्हें, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके। बहरहाल लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड से आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो रहे हैं, और ये जो धीमी धीमी ट्रैक चेंजिंग की आवाज़ें हैं, रेल फैंस के लिए ये किसी म्यूजिक से कम नहीं है। जब भारी भरकम ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर आती है तो जो धुन बजती है वो सुनने के काबिल होती है। जी सर, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, कैटरिंग मैनेजर हूँ मैं सर। अच्छा, आपके हम बहुत बड़े फैन हैं। और सर चलें, बहुत शुक्रिया जी, आप कैटरिंग मैनेजर हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। आज देखेंगे कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या चीज़ें आप फराम कर रहे हैं। तो ये आज आपका पहला दिन है इस कैटरिंग? जी जी, पहला दिन। सही, इससे पहले आप कौन सी ट्रेन में काम? पहले भी इसी में मौजूद थे। अच्छा, इसी में ही मौजूद थे। चलें देखते हैं कि ऑन ट्रेन आपकी कैसी सर्विसेज है। शुक्रिया। ओके।
लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद अब मैं कैमरा रोल पे डाल रहा हूँ और इस वक्त गुजरांवाला रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन एंटर हो रही है और थोड़ा सा आज कह लें आज पहला दिन था इस कंपनी की कमर्शियल मैनेजमेंट में तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट इस लिहाज से देखने के लिए में आई कि कुछ टिकट्स रेलवे वालों की कमर्शियल मैनेजमेंट के बुक हुए हुए थे लोगों के पास और कुछ टिकट्स एनसीएस के तो ज़रा सा एक खिचड़ी सी पक गई थी क्योंकि एक ही सीट के दो दो लोग टिकट पजेस कर रहे थे तो बहरहाल मेरे टिकट पे जो है वो रेलवे वाले कुछ लोग बैठे हुए थे रेलवे की बुकिंग वाले तो मैंने उन्हें हटाना मुनासिब नहीं समझा और गुजरांवाला तक मैंने खड़े होकर ही सफ़र किया है। अब गुजरांवाला आने वाला है, काफ़ी लोग उतर रहे हैं तो मुझे सीट भी मिल गई है इधर बिलाखिर। रेल फैन होने के नाते ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस उम्मीद यही करता हूँ कि होपफुली आगे के दिनों में जब ये मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे और इस तरह की जो डबल बुकिंग है वो नहीं देखने में मिलेगी। तो फाइनली आई एम रिलैक्स और अब गुजरांवाला से आगे का सफ़र करेंगे। ये जो लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र था इसमें दो अहम चीज़ें मिस हुई। एक तो काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पर 7 अप तेज़गाम को हमने ओवरटेक किया था, वो सीन मिस हो गया क्योंकि उस वक्त मैं खड़ा हुआ था और बिल्कुल भी पता नहीं चला। और दूसरा सीन साधो की नहीं अमीनाबाद रेलवे स्टेशन पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से हमारा क्रॉस हुआ था तो वो भी मैं कैप्चर नहीं कर सका। बहरहाल अब देखते हैं गुजरांवाला, उसके प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल पहुंचने लगी है ट्रेन तो आपको गुजरांवाला अराइवल दिखाता हूँ। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं जनाब और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है इधर की, नई नवेली, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और बिल्कुल बिल्डिंग के सामने आके मेरी कोच रुकी है, ज़बरदस्त। गुजरांवाला से रवाना होने के बाद इस वक्त गक्कड़ मंडी के शहर से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छी स्पीड है ट्रेन की, तकरीबन 109-110 इस तरह किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से दौड़ रही है, ज़बरदस्त रन ZCU-20 का। कुछ ही देर में ट्रेन स्टॉप करेगी वज़ीराबाद जंक्शन पर, GPS सिग्नल लॉस्ट हो गया मीनवाइल। बहरहाल अगला स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन पर तो देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसे गुजरता है। वज़ीराबाद जंक्शन पर धमाकेदार एंट्री हो रही है, और हम लोग पैदल चल के दरमियान कोचेस के दरमियान से बिल्कुल पहली कोच में आ गए हैं लोकोमोटिव के बिल्कुल साथ। और लोकोमोटिव के पास आने की वजह यह है कि वज़ीराबाद जंक्शन से लेकर गुजरात तक हम लोगों का इरादा है कैब राइड करने का, तो उस आपको कैब से अलेक्जेंड्रा ब्रिज दरियाए चनाब का नज़ारा भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आया है, ठीक है।
वज़ीराबाद जंक्शन और ZCU 26414। चलते हैं इसकी कैब में। जाना है
गुजरात रेलवे स्टेशन पर 6 डाउन ग्रीन लाइन का स्पीडी थ्रू पास देखेंगे, क्रॉस अरेंज हुआ है इधर। वाह जी, उड़ते हुए ही गई है 6 डाउन, जबरदस्त मजा ही आ गया जनाब। स्पीड अच्छी है, क्या कह रहे हो? फाइव अप भी यही कर जाए ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, कैसा क्रॉस था सर? क्रॉस बहुत वाला था, डब्बे में चल रहा है अभी हम। अच्छा, इससे पहले कि ये निकल पड़े डाउन हो गया। चलें ठीक है जी, चलते। वजीराबाद से गुजरात तक एक जबरदस्त कैब राइड करने के बाद ZCU-20 6414 में अब वापस अपनी कोच में जा रहा हूं मैं, और मेरे बाकी दोस्त जो हैं रवाना हो चुकी है ट्रेन गुजरात रेलवे स्टेशन से। चलें बैठते हैं जी अपनी कोच में। गुजरात रेलवे स्टेशन को आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करते हुए पीछे हमारे से 5 अप ग्रीन लाइन भी मौजूद है, तो लगता है उस वो भी कहीं ना कहीं हमें ओवरटेक ज़रूर करेगी। इस वक्त मेरे साथ NCS प्राइवेट लिमिटेड के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से पाकिस्तान रेलवे पुलिस का हमला तो ट्रेन में होता ही है, इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी ट्रेन को कमर्शियल मैनेजमेंट पे लेती है उसका सिक्योरिटी हमला भी ट्रेन में मौजूद होता है। तो ये जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज भाई, ये बताइए कि आपका क्या ड्यूटीज़ हैं इधर जो आप NCS में ड्यूटी कर रहे हैं? सर हमारी ड्यूटी इधर ये है कि जो हमारे सीनियर हैं ना, हमने उनको सपोर्ट करना है। बाकी जो ट्रेन है इसके अंदर सिक्योरिटी सरकार की भी है, लेकिन हमें सिक्योरिटी बतौर इधर ड्यूटी लगाई गई है हमारी। तो आपको क्या सिखाया गया है कि आपने जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ कैसा रवैया रखना है? सर पैसेंजर के साथ हमें यह सिखाया गया है कि बिल्कुल प्यार की ज़ुबान रखनी है। अगर आपको कोई गाली भी देता है ना, तो उससे भी प्यार की ज़ुबान रखें, बिल्कुल गलत रवैया किसी के साथ भी इस्तेमाल मत करें। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस के कैटरिंग मैनेजर साहब नज़ाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कैटरिंग की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? कैटरिंग में सर हमारे पास चिकन होता है, सैंडविच होता है और फ्राइज होती है। अच्छा ज़रा दिखाएंगे वो प्लेट? ये चिकन है, सैंडविच है। ये आपने एक पैकेज बनाया हुआ है जिसमें एक चिकन रोस्ट है जी सर, फ्राइज है और सैंडविच है, तो ये कितने का होता है? ये 300 का। अच्छा हमने बड़ा ये सुना था कि रेल कार में ये लोगों के सामने पेश कर देते हैं और बताते नहीं है कि ये पैसों का है। सर ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, आप इंशाल्लाह आपको पहले मेन्यू कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद चीज़ आपके पास आएगी। फिर अक्सर लोग ये समझते थे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, खा लेते थे। वो पहले था, अब नहीं है सर। पक्की बात है सर? ओके सर। आप सर हमें उन्होंने समझाई ये है कि आपने मुसाफिर को
بتا کے دینا ہے اور مینیو کارڈ دینا ہر مسافر کو. صحیح. اچھا اور ایک اور چیز یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بیوریجز وغیرہ جو مشروبات ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ کے پاس؟ اس میں ہمارے پاس کولڈ ڈرنک ہوتی ہے, چائے ہوتی ہے, کافی ہوتی ہے اور بقایا وہ سنیکس ہوتے ہیں. چلیں بہت شکریہ نزاکت صاحب, تھینک یو. ڈوبتے سورج کے ساتھ لالا موسا جنکشن پہنچ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. پیچھے ہی پیچھے فائیو اپ گرین لائن بھی ہے, تو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ادھر اوورٹیک کرتی ہے یا نہیں. ہم نے سوچا تھا کہ لالا موسا جنکشن پر اوورٹیک ہوگا لیکن نہیں ہوا, فائیو اپ گرین لائن پیچھے ہی ہے اور ہماری 103 اب روانہ ہو رہی ہے, تو چلیں بیٹھتے ہیں اس میں. لالامسا جنکشن ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے نکل چکے ہیں, اب آہستہ آہستہ یارڈ کو کلیئر کر رہے ہیں. سامنے سورج غروب ہونے کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بالکل ایک آگ کے گولے کی طرح لگ رہا ہے سورج اس وقت. کافی گھاس اگی ہوئی ہے یہاں کے یارڈ میں اور بچے بھی کھیل رہے ہیں شام کی کرکٹ, خوبصورت. یہ پی ایس ایل کا ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہے ادھر. It's turning out to be a beautiful evening. اگلا اسٹاپ ہوگا جیلم ریلوے اسٹیشن, لیکن دیکھتے ہیں اس سے پہلے فائیو اپ ہمیں اوورٹیک کرتی ہے یا نہیں. کوریج کر کے کافی تھکن ہو گئی تھی تو کچھ سنیکس اور چائے پانی وغیرہ منگوایا ہے, تو وہ انجوائے کرتے ہیں. بسکٹس ہیں, نمکو ہے, چائے ہے, سپر. گرما گرم چائے بس کرتے بھائی. دیکھا میرے دوستوں نے مجھے کیسے ٹرول کیا. نہیں بھائی آپ لوگوں کو نہیں دوں گا, اکیلے کھاؤں گا. کھاریاں کینٹ کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر ابھی ٹرین رکی ہے. کچھ دن پہلے ہی میں اس خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا ریل فیننگ کے لیے اور بہت زیادہ میری حسین یادیں اس اسٹیشن سے جڑی ہوئی ہیں. ڈاؤن کا سگنل تھرو ہے تو یہ کراس ہے اور کسی گاڑی سے ہمارا کراس ارینج کیا گیا ہے, دیکھتے ہیں کون سی ٹرین ہمیں جو ہے وہ کراس کرتی ہے. ساڑھے چار والی ہے. ساڑھے چار والی, اس کی سسٹر ٹرین آ رہی ہے ادھر سے جو پنڈی سے نکلی ہے, تو ہوپ فلی وہی ہوگی, اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ رحمان بابا پہلے جا چکی ہے. صحیح. چلیں ون زیرو فور ڈاؤن صبح خرام ایکسپریس, جس ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں اس کی سسٹر ٹرین ہے, بہت ہی زبردست طریقے سے ادھر تھرو پاس کرتی ہوئی گئی ہے اور بہت ہی اعلیٰ اس کے وسلز تھے, مزہ آ گیا.
एक ज़बरदस्त क्रॉस के बाद खारियां छावनी रेलवे स्टेशन से हम रवाना हो चुके हैं। और पहले तो हमने ये सोचा था कि फाइव अप हमें ओवरटेक करेगी, फाइव अप ग्रीन लाइन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्रॉस था 104 डाउन सुबक खराम एक्सप्रेस का। शाम गहरी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बहुत कम हो गई है, तो देखते हैं कब ये मुकम्मल अंधेरा हो जाता है और क्या आगे के नज़ारे हो। इस वक्त मेरे साथ NCS प्राइवेट लिमिटेड के स्टेशन ऑपरेशन मैनेजर सैयद जमाल अहमद जैदी साहब मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी कंपनी ने जो दो रेल कार्स हैं 103 अब और 105 अब, ये दोनों एक्वायर किए हैं और बहुत ही मशहूर रेल कार्स हैं, लोगों में बहुत मशहूर हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी कंपनी इस मशहूर ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स के लिए क्या वैल्यू एडिशन लेकर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आपके इस जो सवाल के जवाब में मैं थोड़ी सी कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले इसकी थोड़ी सी तमीज आपको बयान कर दूँ कि इस इदारे ने जो मुझे डिब्यूट किया और जब उनकी मेरे साथ बातचीत हुई है इंतज़ामिया के साथ, वो इस रेल कार के रैपो को देख के ना इसके ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लोग इसमें ट्रैवल करते हैं और ये बिटवीन लाहौर रावलपिंडी एक ज़बरदस्त किस्म की सर्विस आवाम के लिए मैसर है, हमारे इदारे ने इस वजह से इस रेल कार को एक्वायर किया, इन दोनों रेल कारों को, कि मुसाफरों की एक तो सहूलतों को बेहतर करेंगे हम। अभी हमारा ये पहला दिन है, अभी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बतजरी इजाफा करेंगे, लोगों को बेहतर सर्विस देंगे, अपने स्टाफ के साथ बेहतर एटीट्यूड के साथ कस्टमर के साथ पेश आने की कोशिश करेंगे, उनकी जो शिकायतें होंगे वो कोशिश हद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो सके। और इस रेल कार को हमारी इंतजाम को देने का एक मकसद और है जो मैं शायद यहाँ पर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि हम इस इदारे को अपने NCS के इदारे को एक नेक नामी के तौर पर मनवाना चाहते हैं। हमारी इंतज़ामिया ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये बात के समझाई है कि हम पैसे बनाने के लिए नहीं आए, हमने पैसे नहीं कमाना, हमने लोगों को बेहतर सहूलतें देकर अपनी नेक नामी कमानी है, बेहतर सर्विसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। सर पहले तो लोग इन रेल कार्स के टिकट या तो पाकिस्तान रेलवेज़ की ऑफिशियल ऐप से बुक कर लेते थे या रिजर्वेशन सेंटर से। जी जी। तो क्या कोई ऐसी सर्विस आपने ऑनलाइन बुकिंग की मुतारफ़ कराई है? जी यकीनन, थोड़ी अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अभी हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही हैं नेट वगैरह के हवाले से कुछ, लेकिन हम जितने जदीद दौर के तरीके हम ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने मुसाफरों के लिए ताकि वो घर बैठे ये सहूलत अपना इंजॉय कर सकें आज के दौर के मुताबिक। सर पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की, इनके लिए आपने क्या इकदाम किए? जी यकीन हो यार, ये आपका एक बड़ा वैल्यूएबल सवाल है। हमने हर कोच में एक दो सिक्योरिटी गार्डों का इजाफा किया है, अगर आप रेलवे पुलिस के साथ साथ हमारे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के साथ साथ रहते हैं जो औरतों को और बच्चों को वॉच करते हैं कहीं कोई दरवाजे में या कहीं इस तरफ तो ना जा रहे, खिड़की वगैरह कोई दूसरे तरीके से खतरे की तरफ ना जा रहा जिससे कोई उनको नुकसान या तकलीफ़ हो सके। सर पाकिस्तान रेलवेज़ की मशहूर ट्रेनें तेज़गाम, शालीमार और ग्रीन लाइन, जी ये भी आपने विन की है, तो ये कब से आप एक्वायर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये यकम तारीख 1 जुलाई से 7 और 8 डाउन हमारे इस बुकिंग शुरू हो चुकी है, इंशाल्लाह ये हम उसका चार्ज 1 जुलाई से ले लें। और ग्रीन लाइन और शालीमार आहिस्ता आहिस्ता बतजरी जैसे जैसे ये हम ये इसके हिस्से में शामिल होते जाएंगे
جب ان کے ریک وغیرہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم ریکوائر کر لیں گے جلدی انشاءاللہ عوام کو خوشخبری ملے گی سر بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا تھینک یو ساڑھے سات بج گئے ہیں اس وقت اور جہلم ریلوے اسٹیشن ہم پہنچ گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے جہلم کا کچھ عرصے پہلے میں جہلم سے سوار ہوا تھا 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس پر تو میرا یہاں کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اس وقت آسمان پر ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں اور بہت ہی اچھا موسم ہوا ہوا ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے تو اب آگے کا سفر اندھیرے میں ہوگا زیادہ تر تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیشنس کی کوریج اس طرح سے میں نہ کر سکوں لیکن پھر بھی ابھی بڑا کمفرٹیبل سفر جا رہا ہے ابھی ابھی دینا ریلوے اسٹیشن سے ہماری 103 اب صبح خرام ایکسپریس چلی ہے اور دینا ریلوے اسٹیشن پر ہی جو ہے وہ کراس ارینج ہوا تھا 108 ڈاؤن سے کافی دیر سے ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب 5 اپ گرین لائن ہمیں اوورٹیک کرے گی یہ آپ دیکھیں دینا سے آگے ابھی ہماری 103 اپ ٹرین ہے اور گرین لائن ابھی دینا سے پیچھے ہے تو ابھی تک تو یہ موقع نہیں آیا کہ 5 اپ ہمیں اوورٹیک کرے دیکھتے ہیں کہ آگے ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں 9:16 ہو رہے ہیں اور چکلالا ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں راولپنڈی کا ایک سب اسٹیشن ہے یہ اور 5 اپ گرین لائن نے ہمیں اوورٹیک نہیں کیا تو بڑا ایک طرح کی خوشی سی ہو رہی ہے بہرحال اچھا سفر گیا بس شروع میں جو تھوڑا سا ٹکٹنگ کے حوالے سے چاؤس تھا وہ اس کو اگر ہٹا دیں تو آگے کا سفر بہت ہی پرسکون رہا اے سی پارلر میں سفر ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنا ریویو بھی دوں گا کہ مطلب کیا چینجز میں نے محسوس کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو جلدی اگلا ریلوے اسٹیشن راولپنڈی کا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں 9:28 ہو رہے ہیں اور راولپنڈی ریلوے اسٹیشن ہماری ٹرین پہنچ گئی ہے شیڈیول ٹائم اگر دیکھیں تو 2 ارلی پہنچی ہے یہ تو بہت ہی زبردست وقت کی پابندی بالکل کریکٹ ٹائم پر ہم پہنچ گئے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور میں پہلے بھی اپنے ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ریلوے اسٹیشن مجھے بہت پسند ہے اس کی صفائی ستھرائی ہمیشہ اعلیٰ ہوتی ہے 103 اب صبح خرام ایکسپریس کا سفر مکمل ہوا اور صرف ایک چھوٹی سی شروع میں مس مینجمنٹ دیکھنے میں آئی کیونکہ آج پہلا دن تھا کمپنی کا اس میں جو ٹکٹوں کی ڈبلنگ ہوئی تھی صرف وہ ایک ایشو تھا باقی اور کوئی ایشو نہیں آیا سروسز میں تو اچھا سفر رہا نارملی جب بھی کوئی نئی کمپنی اس فیلڈ میں آتی ہے تو ایک دو دن انہیں سیٹ ہونے میں لگتے ہیں آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا راس لاجسٹکس نے جب سر سید ایکسپریس لی تھی تو ان کے بھی شروع کے کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے مس مینجمنٹ والے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا اور ابھی وہ بہترین ٹرین ہے تو ہوپفلی این سی ایس بھی اپنے آپ کو امپروو کرے گی ود ٹائم اور بہت جلد میں ان کی جو رات والی ریل کار ہے راول ایکسپریس اس میں بھی سفر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بہتری آئی ہے وقت کے ساتھ ان کی سروسز میں تو بہت بہت شکریہ ساتھ رہنے کا اس سفر پر امید ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اللہ حافظ